नमस्कार, लाइव शो में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। ईडी के द्वारा भेजे गए दूसरे समन के तहत साहिबगंज एसपी नौशाद आलम आज ईडी कार्यालय पहुंच गए हैं। ईडी के दूसरे समन पर पूछताछ की तारीख 28 नवंबर यानी आज का दिन था। बता दें कि ईडी ने नौशाद आलम को 22 नवंबर को भी पहला समन भेजा था। साहिबगंज एसपी नौशाद आलम को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पहले समन में ईडी ऑफिस नौशाद आलम नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद साहिबगंज एसपी को दूसरा समन जारी किया गया था, जिसके बाद साहिबगंज एसपी नौशाद आलम पहुंचे हैं कार्यालय, ईडी कार्यालय। यह भी बता दें कि ईडी के गवाह विजय हंसदा को प्रभावित करने का उन पर आरोप है साहिबगंज एसपी पर, और पुलिस अधीक्षक पर अवैध खनन मामले में ईडी के गवाह रहे विजय हंसदा को दिल्ली जाने के टिकट की व्यवस्था करने का आरोप है। आपको बता दें कि ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं कि किस तरह ईडी कार्यालय पहुंचे हैं साहिबगंज एसपी नौशाद आलम। ईडी ने 10 नवंबर को समन भेजकर एसपी नौशाद आलम को पूछताछ के लिए रांची के हिनो स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया था। आज साहिबगंज एसपी नौशाद आलम ईडी कार्यालय पहुंचे हैं, जिनसे ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे। हमारे साथ रांची से संवाददाता कमल जुड़ चुके हैं। कमल, साहिबगंज एसपी ईडी कार्यालय पहुंच गए हैं और पूछताछ ईडी के अधिकारी अब थोड़ी ही देर बाद करेंगे। जी, लेकिन नौशाद आलम को पहले भी बुलाया गया था 22 नवंबर को ईडी के द्वारा। उन पर ईडी के गवाह जो विजय हाजर हैं, उनको प्रभावित करने का आरोप लगा था। उन्हें टिकट मुहैया कराने की बात सामने आई थी। आरोप लगे थे कि उन्होंने उनकी मदद की गलत तरीके से। तो इन तमाम मामलों को लेकर के पूछताछ की जाएगी, खास करके अवैध खनन के मामले को लेकर लगातार कार्रवाई ईडी की है, वो चल रही है और ईडी की कार्रवाई लगातार तेज भी हुई। इसमें कई आईएएस सलाखों के पीछे भी हैं और खास करके कई जो लोग हैं ईडी के गिरफ्त में आए हैं। कहीं ना कहीं एक बार फिर जो ईडी की कार्रवाई तेज हुई थी और उसके तहत नौशाद आलम जो साहिबगंज एसपी हैं और पहले वह रांची के ग्रामीण एसपी हुआ करते थे, तो उनको पूछताछ के लिए 22 नवंबर को समन देकर बुलाया गया था। उस दौरान नौशाद आलम ने पुलिस मुख्यालय से मंतव्य लेने की बात कहते हुए ईडी को पत्र लिखा था और अगली तारीख की मांग की थी, जिसके बाद ईडी ने 28 नवंबर यानी कि आज के दिन की तारीख को मुकर्रर की थी। उनको समन दिया था, उन्हें बुलाया गया था ताकि उनसे जो उन पर आरोप लगे हैं उससे संबंधित पूछताछ की जा सके। और पिछले बार जिस तरह से 22 नवंबर को नौशाद आलम नहीं पहुंचे थे, तो उम्मीद थी कि नेक्स्ट जो आज का दिन है 28 नवंबर का दूसरे समन पर वह पहुंचेंगे और आज वह 10 बजे ही वो पहुंच गए समय से पहले। हालांकि 11 बजे का समय रहता है लेकिन पहले ही पहुंच सकते हैं, तो वो 10 बजे तक पहुंच गए और 10:30 बजे करीब वो एंट्री भी कर चुके और उनके द्वारा पूरी जानकारी अब उनसे ली जाएगी। ईडी के द्वारा इधर ईडी जोनल ऑफिस ही में पहुंचे हैं, उनसे पूछताछ होगी और उसके बाद यह साफ हो पाएगा कि उन पर जो लगे आरोप है उसमें क्या कुछ पूछताछ के बाद सामने आ पाता है। अनिल, कमल, जिस तरह से साहिबगंज एसपी पहुंचे हैं, ईडी कार्यालय पहुंचे हैं, आज के दिन पहुंचे हैं, और जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि दूसरा समन है या दूसरा समन में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, लेकिन समय से पहले पहुंच गए, क्या लगता है कितनी देर तक ईडी कार्यालय के अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे, एक अनुमान कुछ समय का? देखिए अनिल, जिस तरह से जितने भी लोगों को ईडी के द्वारा बुलाया जाता रहा है उनको लगभग देर शाम तक छोड़ा गया है पूछताछ के बाद, क्योंकि लंबी पूछताछ होती है और शाम तक उम्मीद है कि इनसे भी लंबी पूछताछ हो सकती है। कुछ ही लोगों को पहले छोड़ा गया है पूछताछ के दौरान जल्द, लेकिन लगभग जितने लोगों को बुलाया गया है ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए, वो देर शाम ही उन्हें छोड़ा गया है। तो जब तक पूरी जानकारी नहीं ली जाती तब तक ईडी के अधिकारी पूछताछ करते हैं और जब वो क्लियर हो जाते हैं कि सारी बातें उनके द्वारा पूछ ली गई हैं, तब उन्हें छोड़ा जाता है। और अगर उन्हें लगता है कि नहीं और इसमें कुछ जानकारी लेनी है, तो दूसरे दिन फिर इसे बुलाया जाता है, जिसे समन दिया जाता है। तो अब ये देखना होगा कि नौशाद आलम से पूछताछ कितनी लंबी चलती है, लेकिन जितने भी लोगों को बुलाया गया है अब तक जो सामने आई है तस्वीरें, उसमें देर शाम तक ही पूछताछ होती रही है। अनिल, चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो हम दर्शकों को बता दें कि पुलिस अधीक्षक पर अवैध खनन मामले में ईडी के गवाह रहे विजय हांसदा को दिल्ली जाने के लिए टिकट की व्यवस्था करने का आरोप है उन पर। ईडी ने
बता दें कि 10 नवंबर को समन भेजकर एसपी नौशाद आलम को पूछताछ के लिए रांची के हिनू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया था। इसी के तहत आज साहेबगंज एसपी नौशाद आलम ईडी कार्यालय पहुंचे हैं, जिनसे ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे।